क्या आपके दुश्मन ने आपकी नाक में दम कर रखा है? कोई बात नहीं, अब दुश्मन को सबक सिखाने का रास्ता मिल गया है। आज जो दुश्मन आपको आंखें दिखा रहा है, कल को वो आपके सामने आंख उठाने से पहले भी 100 बार सोचेगा। जिस दुश्मन ने आज आपका जीना मुश्किल कर रखा है, कल को वही शत्रु हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हुआ नजर आएगा। दुश्मन को धूल चटाने का एक ऐसा उपाय मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसे करते ही शत्रु के बुरे दिन स्टार्ट हो जाएंगे, दुश्मन की जड़ें हिल जाएंगी। जिस दुश्मन ने आपके हर काम में टांग अड़ा रखी है, आपके हर बनते हुए काम में बाधा पैदा कर रखी है, जो आपकी तरक्की से, आपकी खुशहाली से जलता है, वो आपके सामने पैरों में गिरकर माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएगा। दुश्मन आपसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगेगा और आपके जितने भी शत्रु हों वो सब आपके सामने फैल होना स्टार्ट हो जाएंगे। हमें मिल गया है एक ऐसा उपाय, जिसे करने के बाद शत्रु चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी चालाक बन ले, आपका एक बाल भी हिला नहीं पाएगा। जो दुश्मन अपने आप को बहुत बलवान मान रहा है, जो अपने घमंड में बहुत चूर हो रहा है, अब उस दुश्मन का घमंड तोड़ने का समय आ गया है। दुश्मन को ऐसी धूल चटाएंगे, दोबारा कभी भी आपके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। शत्रु को पटखनी देने का एक ऐसा उपाय मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, जो आज से पहले आपने कभी नहीं किया होगा। हमारे पास बहुत सारे भक्तों के कमेंट आते हैं, गुरुजी हमारे दुश्मनों ने हमारा सारा काम खराब कर दिया, हमारी लाइफ खराब कर दी, हमारा पैसा छीन लिया, हमारी खुशियां छीन ली। कोई बात नहीं भक्तजनों, अब तक आपने जो कष्ट सहा है, अब आप तैयार हो जाइए और अपने दुश्मन की किस तरह से आप दुर्गति करते हैं, आप खुद अपनी आंखों से देखिएगा। दुश्मन को ऐसी हालत ये उपाय कर देगा कि वो भूल कर भी कभी किसी का दोबारा बुरा करने की सोच भी नहीं सकेगा। जितनी भी तिगड़म लगा ले, जितने भी जोड़ तोड़ कर ले, लाइफ में दुश्मनी करना भूल जाएगा, भोले भाले लोगों को सताना भूल जाएगा, कभी किसी का बुरा करने की सोचेगा तक नहीं। बहुत मेहनत, बहुत ईमानदारी से हम आपके लिए एपिसोड लेकर आते हैं। आपका भी कर्तव्य बनता है कि एपिसोड को आप पूरा देखिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए, शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमाम्रियता। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए केदारेश्वर महादेव की जय। नमस्कार, सुस्वागतम
आभार। आप देख रहे हैं ज्योतिष मिराकल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास नई लाजवाब जानकारी। बहुत दिनों से मैं नोट कर रहा हूं, हमारे पास बहुत सारे भक्तों के कमेंट आ रहे हैं, गुरुजी दुश्मनों ने बहुत तंग कर रखा है, कोई ऐसा उपाय बता दो जिसको करने से दुश्मनों की छुट्टी हो जाए। जी हाँ, वही उपाय मैं अब आपको बताने जा रहा हूं जिसको करने के बाद दुश्मन आपके आस पास फटकने की भी गलती नहीं करेगा। जैसा कि आपने एपिसोड के थंबनेल में देखा है, सुबह उठकर एक बार बोल दो यह शब्द और दुश्मन के बुरे दिन स्टार्ट हो जाएंगे। इस उपाय को मंगलवार की सुबह से आपने शुरू करना है और लगातार 40 दिन तक इस प्रयोग को आपने करना है। सुबह उठकर अपने बेड पर ही बैठे बैठे आपने बोलना है, लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, रामा अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। ये आपने बोलना है प्रतिदिन 40 दिन तक। लगातार आपने हनुमान जी का यह श्लोक अपनी जिह्वा से बोलना है और आपका जो जो भी दुश्मन है, आपका कोई भी शत्रु है, सारे शत्रुओं की शक्ति मिट्टी में मिलना स्टार्ट हो जाएगी और मात्र कुछ ही दिनों में आपके दुश्मनों का जो बुरा प्रभाव आपकी जिंदगी पर पड़ रहा था, वो सारा बुरा प्रभाव धीरे धीरे करके आपकी लाइफ से हटना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे करके आपको अपने सारे दुश्मनों से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता की।